नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्दनाक हादसा हुआ है अल्मोड़ा से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर अल्मोड़ा के मारचूला के पास सड़क हादसा हुआ है। खाई में यात्रियों से भरी बस जो है वो जा गिरी है। 42 सीटर बस में कई लोग सवार थे। अब तक 25 यात्रियों की मौत का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा हादसा हुआ है, राहत बचाव कार्य जो है वो फिलहाल जारी है। और बताया जा रहा है कि बस में 42 सीटर बस थी, लेकिन काफी लोग जो थे उसमें सवार थे और यह हादसा हुआ। वजह क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लापरवाही थी या ये सड़क हादसा जो हुआ है वो किसकी वजह, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क जिस मोड़ पर ये हादसा हुआ है वहां पर सड़क भी काफी खराब थी, तो ये भी जानकारी मिल पा रही है। 25 लोगों की मौत का अंदेशा जो है वो अभी जताया जा रहा है। काफी दर्दनाक ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची है और जो घायल है उन्हें फौरन अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंची है, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। बस देखिए आप, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त यहां पर हो चुकी है और काफी लोग बताए जा रहे हैं इस बस में सवार थे। और ये सुबह के वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है, अल्मोड़ा के मारचूला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क वहां पर काफी खराब थी, जिस दौरान यह हादसा जो है एक बड़ी वजह वो भी हो सकता है। फिलहाल टीमें जो है वो वहां पर पहुंची हैं, घायलों को रेस्क्यू किया गया है और 25 से ज्यादा मौत की आशंका जो है फिलहाल जताई जा रही है। संजय प्रसाद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, कितने लोगों की मौत की खबर जो है वो आ रही है हादसे में, और अभी कुछ पता चल पाया है कि हादसा हुआ कैसे था, किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? जी, आज का सूरज सुबह सुबह अपने साथ बहुत ही दुखद सूचना लेकर आया है। मरचूला के पास में जो बस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। फिलहाल जो अभी तक हमारे पास जानकारी आ रही है वो लगभग 20 से ज्यादा जो मुसाफिर थे उनकी मौत की खबर यहाँ आ रही है। मरचूला से रामनगर को चली ये बस अचानक मोड़ पे अनियंत्रित होती है और 100 मीटर गहरी खाई में चली जाती है, जिसमें अभी तक फिलहाल 20 से अधिक लोगों के मौत की पुष्टि तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूचना जो आ रही है वो 20 से अधिक लोग इसमें मौत के काल के गाल में समा चुके हैं। साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान लिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो घायल है उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी, हर तरीके की मदद दी जाए। SDRF की टीम मौके पर है और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने कहा है अगर एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ती है तो घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट कर उचित स्थान पर या उपचार के लिए पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, काफी दुखद होते हैं संजय इस तरीके के हादसे, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि बस में जो थे 42 सीटर बस थी लेकिन सवारियां काफी ज्यादा अधिक थी, तो क्या इसके पीछे ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है कि बस का संतुलन जो है वो बिगड़ा और ये हादसे का शिकार हुई? जी बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि कुछ नहीं है कि बस ओवरलोड थी या फिर हादसे का क्या कारण है। लेकिन बहरहाल पहाड़ों की अगर स्थिति की बात करें तो पहाड़ों में अधिकतर देखा गया है कि बसें जो हैं वो इक्का दुक्का इन रोडों पर बसें चलती हैं जो अधिकतर ओवरलोड ही चलती हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि खराब सड़क भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहां बताया जा रहा है कि बहुत ही दयनीय स्थिति में सड़क है और उस सड़क के चलते शायद आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा हो गया है। और अभी फिलहाल टीमें जो है SDRF की टीम है, पुलिस की टीम है, ये सारी टीमें अभी रेस्क्यू में लगी हुई है। हम भी लगातार SDM साल्ट संजय कुमार से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल SDM खुद मौके पर हैं तो अभी वो कोई भी बात बताने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल वो रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं और इसी के चलते अभी रेस्क्यू के चलते 4 लोगों को अभी अभी खबर आ रही है कि रेस्क्यू के चलते 4 लोगों को अभी हल्द्वानी सुशीला तिवारी भेजा गया है। कुछ ही देर में शायद घायल सुशीला तिवारी में पहुंचेंगे और इसके बाद की स्थिति अभी जानेंगे हम लोग। जी संजय, फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, कैसी जानकारी, क्योंकि सुबह के वक्त बताया जा रहा है ये हादसा हुआ था, ये बस जा कहां रही थी, क्या स्थानीय लोग जो थे वो इस बस में सवार थे सिर्फ?
जी अधिकतर जो बताया जा रहा है कि बस में स्थानीय लोग ही सवारी सवार थे और ये बस जो है वो रामनगर आ रही थी। रामनगर आते हुए इस बस जो है हादसे का शिकार हुई है और साथ ही साथ जो इसमें लोग मौजूद थे, जहां ओवरलोडिंग की अगर बात कही जा रही है तो अधिकांश देखा गया है कि पहाड़ के रोडों पर कम बसें होने के कारण, परिवहन कम होने के कारण अधिकांश जो वाहन चलते हैं वो ओवरलोड ही चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस घटना का, इस हादसे का मुख्य कारण रहा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बहरहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि 20 से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं और अभी घायलों की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इतने घायल हैं। जी बने रहिए संजय प्रसाद, आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, सीएम धामी ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। जी आर्थिक मदद का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद जो है वो ये करवाई जाएगी, घायलों को 1-1 लाख की मदद का ऐलान जो है वो किया जाएगा। घटना की मजिस्ट्रेट जो जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उमाऊ कमिश्नर को सौंपी हादसे की जांच, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। बता दें मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद जो है वो दी जाएगी, वहीं घायलों को 1-1 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर, घटना की मजिस्ट्रेट जो जांच है उसके आदेश भी दे दिए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, आर्थिक मदद का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। संजय प्रसाद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है मृतकों और घायलों के लिए। जी ये एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री द्वारा और साथ ही साथ उन परिवारों को एक राहत देने का काम करेगा। लेकिन बहरहाल अभी स्थिति ये है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको सही उपचार की पहुंचाया जाए, उनको उपचार मिले और उनकी जान बचाई जा सके, ये अभी सरकार की प्राथमिकता में है। और जो टीमें लगी हैं, बहरहाल टीमें एसडीआरएफ की पूरी यूनिट, जो बताया गया है कि एसडीआरएफ की पूरी यूनिट पहुंची हुई है रेस्क्यू में और साथ ही साथ जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो काफी मदद कर रहे हैं इस रेस्क्यू में। जी अब संजय, क्योंकि अब इस पर जांच भी बैठा दी गई है, क्योंकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। जैसा बता रहे हैं कि उस मोड़ पर सड़क भी खराब है, बताया जा रहा है कि बस में यात्री भी काफी ज्यादा सवार थे और यही वजह है कि मजिस्ट्रेट जांच जो है कुमाऊं मंडल को अध्यक्ष जो है उनको सौंप दी गई है अब इस पूरे मामले की जांच। जी कुमाऊं कमिश्नर को जरूर जांच सौंप दी गई है, लेकिन अभी जांच का कोई औचित्य नहीं बनता। अभी केवल एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से घायलों को रेस्क्यू किया जाए, किस तरीके से लोगों की जान बचाई जाए, जांच का विषय है। जांच जरूर की जाएगी, जांच के कारणों का पता भी लगाया जाएगा कि किन कारणों के चलते ये घटना हुई है। लेकिन बहरहाल जो जांच है वो अभी चलेगी, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत इसमें जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो वो जरूर अपने स्तर से जांच करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो जरूरी है वो ये है कि घायलों को उचित इलाज दिया जाए और ज्यादा से अधिक जितना हो सके लोगों की जान बचाई जाए। जी बिल्कुल संजय, हालांकि फिलहाल जानकारी जो मौके पर अगर बात वहां पर की जाए, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा वहां पर कर लिया जाएगा, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जो स्थिति है वहां की, भौगोलिक स्थिति है वो काफी ज्यादा विषम है कि वहां से घायलों को ऊपर तक ले जाना या अस्पताल तक पहुंचाना। तो फिलहाल वहां पर किस तरीके से अभी स्थिति जो है वो बनी हुई है? जी बिल्कुल, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र ये है और जहां ये हादसा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पास में एक नदी बह रही है और साथ ही साथ खड़ी चट्टान ढलान पे ये बस आके रुकी है। तो वहां से रेस्क्यू कर पाना, आप भी ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि वहां से रेस्क्यू कर पाना कितना मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में रेस्क्यू अभियान अभी फिलहाल चला है और ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि रेस्क्यू कब तक ये अभियान समाप्त होता है। फिलहाल हमारी टीम लगातार वहां एसडीएम सर्ट से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जैसे ही एसडीएम सर्ट से कोई बातचीत होती है, कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत अपडेट किया जाएगा। बहरहाल अभी प्राथमिकता केवल और केवल घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की। लेकिन संजय, इस तरीके के हादसे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रदेश में परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर। जैसा आपने बताया कि बहुत कम बसें चलती हैं और यही रीजन है कि ओवरलोडेड होकर बसें चलती हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके की स्थितियां बनी रहेंगी तो इस तरीके के हादसे भी होते रहेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जगहों पर ऐसे इलाकों में जो परिवहन व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए, सड़क व्यवस्था है उसे कम से कम दुरुस्त किया जाए, ताकि पहाड़ों पर जो जनजीवन है वो इस तरीके से इन हादसों का शिकार ना हो।
जी बिल्कुल, अगर परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने की बात है, स्पष्ट दिखाई देता है कि ये अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है। अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की स्थिति में ये हादसा हुआ है, लेकिन बहरहाल अगर गाड़ी के ब्रेक फेल हैं तो आरटीओ और जो तमाम जो जांच अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, किस तरीके से फिटनेस दी जाती है बसों को, किस तरीके से पास किया जाता है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। अधिकारी क्या गहरी नींद में सोए रहते हैं, क्या अधिकारियों को इन हादसों का इंतजार रहता है कि हादसे हों और तब हम जागें, तो ये अधिकारियों पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस बात के जवाबदेह हैं, ये आज हादसा ये उस बात को गवाही देता है कि अधिकारी उत्तराखंड में कितने लापरवाह बने हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी हां, दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। तो दिल्ली दौरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, आज केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक जो है वो होने जा रही है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, और दिल्ली दौरे पर जो है कई अहम मुलाकातें जो है पुष्कर सिंह धामी करते हुए जो है नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल कार्यक्रमों की बात करें तो आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की जो बैठक है उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शाम को 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी जो है कल ही दिल्ली जो है पहुंच गए थे। ऐसे में जो है केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की बात करें तो हर जो तिमाही है उसमें एक बार बैठक होती हुई जो है नजर आती है, और इसमें जो है हिंदी के प्रयोग की स्थिति को लेकर जो समीक्षा है वो पूरे देश भर में जो है की जाती है। तो फिलहाल एक जो बैठक है उसमें जो है पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो कई जो पार्टी आलाकमान के नेता हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान जो मुलाकात है वो करते हुए जो है नजर आ सकते हैं, ये जो है फिलहाल जानकारी। और खासतौर पर जिस तरीके से अल्मोड़ा में जिस तरीके से हादसा होता हुआ नजर आया है उसको लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है जो घटना स्थल पर जो लोग हैं उनसे फोन कर जो है जानकारी ली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मृतक जो है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की जो घोषणा है वो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिल्ली में जो है की गई है। तो फिलहाल लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर बने हुए हैं, और जो है केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक के अलावा जो कई अहम मुलाकातें हैं वो दिल्ली दौरे के दौरान देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, बड़ी खबर बड़ी जानकारी, नमामि गंगे घाट पर आयोजित होगा गंगा महोत्सव। बड़ी जानकारी आ रही है आपको, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पीआर पाटिल शिरकत करेंगे गंगा महोत्सव में, करेंगे कार्यक्रमों का आयोजन। तो कई कार्यक्रमों का आयोजन, सीएम धामी भी गंगा महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी अपनी प्रस्तुति जो है वो देंगे। गंगा स्वच्छता के लिए किया जाएगा जागरूक। तो बड़ी जानकारी, नमामि गंगे घाट पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन होने जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल
शिरकत करेंगे गंगा महोत्सव में। कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो होगा, तो सीएम धामी भी गंगा महोत्सव में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा अपनी प्रस्तुति देंगे इस मौके पर। हरिद्वार से बड़ी खबर, गंगा स्वच्छता के लिए किया जाएगा जागरूक इस कार्यक्रम के जरिए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शिरकत करेंगे गंगा महोत्सव में, कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सीएम धामी भी गंगा महोत्सव में शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नमामि गंगे घाट पर गंगा महोत्सव का ये आयोजन जो है वो होने जा रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे शिरकत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। गंगा महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है होगा, सीएम धामी भी गंगा महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भव्य प्रस्तुति जो है वो देंगे नमामि गंगे घाट पर, गंगा महोत्सव का आरंभ जो है वो होने जा रहा है। तो बता दें आपको, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शिरकत करेंगे। विकास खरे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, गंगा महोत्सव का ये आयोजन, भव्य आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है और क्या कुछ रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, मैं अगर बात करूँ तो आज माँ गंगा के तट पर गंगा उत्सव का यहाँ पर काफी बड़ा आयोजन किया जा रहा है। साफ तौर पर बात करूँ तो तमाम जो नमामि गंगे घाट है यहाँ पर जो है पूरी तैयारी तमाम प्रशासन के द्वारा कर ली गई। हालांकि मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये इधर नमामि गंगे घाट है जो माँ गंगा का तट है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और पूरा जो घाट है पूरी तरह से स्वच्छता की अगर हम बात करें तो पूरी तरह पर दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से स्वच्छता अभियान यहाँ पर चला गया था उस तरह की जो स्वच्छता यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह गंगा उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा और 3:30 बजे से जो ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर अंजलि सुबह का साफ तौर पर देख सकते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड जो पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है और पूरी जो है सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तैनाती की गई, क्योंकि भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्री है सीआर पाटिल यहाँ पर पहुंचे के तमाम जो तैयारी है साफ तौर पर आप देख रहे हैं। हालांकि जो पूरी जो पुलिस की लाइन है वो भी यहाँ पर जो पूरी तरह से जो है तैयारी है उनकी पूरी की गई है। तमाम जो मीडिया का ग्रुप है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। दृष्टि से हम बात करें तो मीडिया के जो पास है वो भी यहाँ पर जारी किए गए ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर जो है चूक ना हो, उसको लेकर जो तमाम प्रशासन है पहले से यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई थी ताकि तो जो भी प्रोग्राम है समय से यहाँ पर शुरू हो सके। तो ऐसे में जो है उत्तराखंड के जो राज्य मंत्री है रेखा जी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो हरिद्वार के सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत वे भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो अधिकारी है जो यहाँ पर सुरक्षा बल है वो फिलहाल यहाँ पर जो है पहुंच चुका है। हम यहाँ पर प्रशिक्षण की बात करें तो जो बीएसएफ की टीम है वो भी यहाँ पर गंगा में जो यहाँ पर प्रशिक्षण करेगी और जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर जो उनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिखाया जाएगा। तमाम जो उत्सव है यहाँ पर वहाँ पर मनाया जाएगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर मनाए जाएंगे। अंजलि बिल्कुल, विकास, नमामि गंगे के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है गंगा की स्वच्छता अविरलता बनाए रखने के लिए, एक बहुत बड़ा जो कदम है वो यहाँ पर उठाया गया है और उसी का नतीजा है कि इस स्तर पर जो है इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है ताकि लोगों में भी इसके प्रति जो है जागरूकता जो है वो उत्पन्न हो। एक बहुत बड़ा कदम है केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ। देखिए जी, अगर मैं बात करूं तो पहली बार ये उत्सव जो है गंगा नदी के किनारे पर किया जा रहा है, क्योंकि गंगा का जो राष्ट्रीय गंगा यहाँ पर घोषित किया जाएगा और इसके साथ साथ इसका जो उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करना, स्वच्छता के प्रति जन जागरूक को यहाँ पर बढ़ाना, यह पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजित किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पर स्कूल के जो बच्चे हैं, हालांकि जो कॉलेज के जो बच्चे छात्र है वो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तमाम जो तैयारियां है वो भी यहाँ पर स्कूल के जो बच्चे हैं, हालांकि जो कॉलेज के जो छात्र छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर तैयारी की गई। हालांकि साफ तौर पर कैमरे की नजर से आपको दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर आप देख सकते हैं जी, जो स्कूल के बच्चे हैं हालांकि जो कॉलेज के छात्र छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आज आयोजित किए जाएंगे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुका है। कहीं कहीं जो जल शक्ति मंत्री वो भी यहाँ पर 3:40 पर माँ गंगा के किनारे यहाँ पर पहुंच जाएगा और उसी समय यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो गंगा उत्सव यहाँ पर शुरू किया जाएगा। अंजलि, अच्छा विकास, जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं, मंच पर कौन कौन मौजूद रहेगा और मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है क्या वहाँ पर, क्योंकि अभी फिलहाल तो दिल्ली में मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
बिल्कुल देखिए सीएम धामी की अगर हम बात करो, सीएम धामी का यहाँ पर जो प्रोग्राम पर आपसी था, लेकिन सीएम धामी यहाँ पर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि जो अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर जानकारी मिली, यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्री जो सीआर पाटिल वो यहाँ पर प्रोग्राम में पहुंचेंगे, उत्तराखंड राज्य के जो राज्य मंत्री रेखा आर्य वो यहाँ पर पहुंचेंगे, हरिद्वार के जो सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम जो विधायक है हरिद्वार के वो भी यहाँ पर जो हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में जो जो तमाम तैयारियां हरिद्वार प्रशासन की पूरी तरह यहाँ पर पूरी कर ली गई है और लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है पूरा प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और चूंकि तमाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो स्कूली बच्चे जो छात्र छात्र है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफी जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तमाम जो तैयारी है स्कूली के जो स्कूल के बच्चे उनके द्वारा यहाँ पर पूरी की गई है। और देख सकते हैं आप साफ तौर पर जो उत्सव है उसका काफी जो महत्वपूर्ण जो नजारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो सांस्कृतिक यहाँ पर कार्यक्रम हो गए पर गंगा महोत्सव का ये भव्य आयोजन हो रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चों का भी पहुंचना शुरू हो गया है, एक जागरूकता अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास करे इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कैबिनेट मंत्री सौरभ बागुना ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ बागुना ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। संगठन के फैसले होते हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जैसा आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती, केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। देखिए कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम है उनके नेतृत्व को सराहाया सैनी जी को। उसी तरीके से कांग्रेस की रणनीति हर चुनाव में यही होती है कि पब्लिक के बीच में जाकर झूठ बोल के, बहका के, भड़का के उनसे वोट ले। लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है, केदारनाथ की जो जनता है, बहुत अकलमंद जनता है और वो जानती है कि अगर केदारनाथ का विकास हो सकता है तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक को जिता के ही हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटा सा ब्रेक का।